दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमारे BTS मेंबर्स की उनके डेब्यू से लेकर अब तक की जर्नी को BTS बियॉन्ड द स्टार में दिखाया गया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इमोशनल थी, जिसे आप में से हमारे काफी दोस्तों ने देखा भी होगा। लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमारे जो दोस्त इसे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, उनके लिए आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें सभी हाइलाइट्स पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, BTS बियॉन्ड द स्टार में सभी BTS मेंबर्स की उस लाइफ या कहें कि उस जर्नी को दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि स्क्रीन के पीछे के लोग या सिर्फ उनके करीबी लोग जानते हैं। वेल, इसके एपिसोड डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज किए जा रहे हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत RM से होती है, जिसमें RM कहते हैं कि हम सभी इस प्रोजेक्ट को लेकर जितना खुश हैं, उतना ही नर्वस भी हैं। आगे RM कहते हैं कि कई बार मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि आर्ट इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मेरी नज़र से देखो तो हर एक चीज में आर्ट है। इसलिए मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि आर्ट में इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया को एक नया बदलाव दे सकती है। तो अगर आप भी आर्ट की पावर में बिलीव करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए और बताइए कि आर्ट किस तरह लोगों की लाइफ को खुशहाल बना सकती है। दोस्तों, इसके बाद BTS के सॉन्ग ऑन की मेकिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद एक सीन में BTS के प्रोड्यूसर को बात करते दिखाया जाता है कि 2020 के अप्रैल में होने जा रहे कॉन्सर्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसे सुनकर BTS मेंबर्स काफी उदास हो जाते हैं। वेल, दोस्तों, यहाँ हम इस बात से ये तो समझ ही सकते हैं कि जब भी BTS का कोई भी कॉन्सर्ट कैंसिल होता है, तो BTS मेंबर्स भी काफी उदास हो जाते हैं। इन शॉर्ट, ये भी कहा जा सकता है कि आर्मी जितना लो फील करती है, उतना ही BTS मेंबर्स भी लो फील करते हैं। वेल, 2020 के कॉन्सर्ट्स के कैंसिल होने का रीजन तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि उन दिनों कोविड पीक पर था। इसके बाद शुगा को दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि लॉकडाउन टाइम हमारे लिए काफी मुश्किलों भरा था, क्योंकि हर दिन सैड न्यूज आती थी। हम नहीं जानते थे कि इस तरह की लाइफ लोगों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही होगी। साथ ही हम ये सोचने लगे थे कि शायद अब कभी फिर से कॉन्सर्ट होंगे ही नहीं और आप सब हमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। आगे शुगा ने कहा कि मैं इसलिए भी काफी परेशान था, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन या कहूँ कि मोटिवेशन तो आप सब लोग ही थे, और आप सबके बिना म्यूजिक क्रिएट करना काफी मुश्किलों भरा था। इसके बाद BTS का सॉन्ग Black Swan दिखाया जाता है, जो कि इन दिनों ही रिलीज हुआ था, जिसके बाद वी को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि लास्ट 2 इयर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों भरे थे। सच कहूँ तो मैं एक गहरी सोच में डूब गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर एकदम दुनिया इतनी चेंज कैसे हो गई। मेरे अंदर इतना शोर था कि मैं इसे किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता था कि मैं किससे और क्या कहूँ। वेल, दोस्तों, अगर आप एक ओल्ड आदमी होंगे तो आपने वी के इस चेंज को देखा भी होगा। इवन लास्ट ईयर हमने एक वीडियो में इस बारे में डिस्कस भी किया था कि अब वी पहले की तरह नॉटी नहीं रहे। खैर, इसके बाद एंट्री होती है हम सबकी होप जे होप की, और वो कहते हैं कि जो भी हो, मैं उस टाइम को नहीं बदल सकता था। मैं इतना परेशान था कि उस टाइम और उस एनर्जी को कहीं यूज करना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ म्यूजिक और डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दूंगा, और मैंने वही किया। इसके बाद जोंगकुक की एंट्री होती है, जो कि कहते हैं कि लेकिन उस टाइम को हम सब ने अच्छे से पार कर लिया। इसके बाद जिन कहते हैं कि इस टाइम ने हमें ये भी सिखाया कि हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हर दिन हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास कितना टैलेंट है, जिसके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाते। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि मैं और RM इस बारे में हमेशा बात करते हैं कि हम अपने थॉट्स को कैसे क्रिएटिव बनाएं, ये हमें आज भी सीखने की जरूरत है। आगे शुगा कहते हैं कि मेरे लिए
ये टाइम मुश्किल भरा इसलिए भी था क्योंकि मैं हर चीज से डरने लगा था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें जिनसे मैं हमेशा दूर भागता हूँ वो फिर से घर करने लगी थी। वहीं आरएम ने कहा कि मैं स्टडी के बाद अगर किसी चीज को एंजॉय करता हूँ तो वो सिर्फ म्यूजिक है, इसलिए मैंने सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान दिया। इसके बाद 2013 के मोमेंट्स को दिखाया जाता है। दोस्तों आपको ये तो याद ही होगा कि 2013 में ही BTS मेंबर्स ने अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद एंट्री होती है BTS के गॉडफादर बांग पीडी की, जो कहते हैं कि इस स्टोरी को सब जानते हैं क्योंकि किसी से कुछ छुपा ही नहीं है। लेकिन मुझे आज भी वो टाइम याद आता है जब मैंने RM को देखा और मेरे दिल ने कहा कि इस लड़के को डेब्यू करना ही चाहिए। इसके बाद शुगा कहते हैं कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे एक ग्रुप या स्टार बनने के बारे में, लेकिन ये बांग पीढ़ी ही थे जिन्होंने हमें लेकर सपना देखा और हमें एक टीम बना दिया। हालांकि बांग पीढ़ी ने हमारे ऊपर बहुत काम किया और हमें चेंज करके रख दिया, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए। इसके बाद जेहोप ने कहा कि जब मैं आया था उस टाइम कोई डांस नहीं करता था, फिर मैंने सबके साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट किया, तब जाकर एक ग्रुप बना जिसे आज दुनिया BTS के नाम से जानती है। तो दोस्तों BTS की इस बियॉन्ड जर्नी में बस इतना ही। अगर आपने आगे की स्टोरी और जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कैसी लगी ये भी बताना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and sarang you.